पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो देखें आप, दो मक्के की चरी मैंने यहाँ पे ऑयल लिया, ये वाला मक्का इसका अंदाज़ा देखें, और ये है इतना मक्का कैमरा लगा है सामने देखें, और मैंने एक मीडियम एक बड़ा साइज का प्याज देखो मैं उसको करूँगी लाइट ब्राउन। ये जायफल जावित्री का अंदाज़ा मैं अभी दिखाऊँ आपको कि मेरे पास ये जायफल मैंने छोटी ली थी जो है वो भूज का दाना था, तो मैंने उसको हाफ कर लिया, उसमें कूट लिया, इसको मैं अभी और क्रश करूँगी। यहाँ पे जावित्री है मेरे पास, जावित्री ये चावल का अंदाज़ा मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास 1.5 किलो के करीब चावल है जिनका ये अंदाज़ा जा रहा है सारा मसाले का। अब इन दोनों को पाउडर फॉर्मेट करके अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये जायफल जावित्री का पाउडर हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो है स्टेप हम ऐड करेंगे, जनाब मसाले हमारे भून रहे हैं और जो चिकन मैंने अलग से रखा था यखनी का, वो मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम जो है यहाँ पर मेरे पास मीडियम है, इसको पकाएंगे हम अच्छे से मसालों में। अभी देखिए मीडियम फ्लेम पे चिकन मसालों में हो रहा है हर बहुत तरीके से, मोटी रोटी नहीं चाहिए। अब इसको स्टेप पर डालूँगी जनाब मैं 5 बड़े खाने के चम्मच जो है वो दही के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 खाने के चम्मच जो है मैंने योगर्ट के डाल दिए, दही के डाल दिए, फ्रेश दही है मेरे पास, और इसमें अच्छे से मिक्स कर लें आप इसको। आप देखते हैं खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। इस स्टेप पर यहाँ पे जो सीक्रेट रेसिपी जो बाहर भी अक्सर आप देखते हैं बाहर के पुलाव में डलती है, वो है जनाब मेरे पास यहाँ पर 2 कनौर क्यूब्स वो ऐड कर दूँगी जो इन चावलों के चिकन पुलाव में जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त इसको कर देते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स अवेलेबल नहीं है, वैसे तो हर जगह होती है, तो आप इसमें चाइनीज सॉल्ट ऐड कर सकते हैं 1 खाने का चम्मच। अब हम इसको इसमें यखनी डालेंगे थोड़ी सी और फिर हम इसको हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे थोड़ा सा भून, ठीक है जनाब। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, ध्यान रहे कि बोटी जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, नॉर्थ क्यूब्स में इसमें अच्छे से जो है वो हल होनी चाहिए और जो दही है उसका भी ज़रा थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। बस ये देखिए कि मैंने इसमें जो दही भी डाल दी है, क्यूब्स भी हल हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी यखनी, यखनी मेरे पास चिकन की यखनी जो है 1.5 किलो चिकन की मैंने यखनी निकाली थी, अब उसमें ऐड कर देती हूँ। 5 बड़े चावल 1 किलो मैंने भिगोया हुआ है और आधे घंटा मैंने तकरीबन इसे भिगोया, अच्छे से भीग गया, पानी निकाल दिया चावल। अब मैं डालूंगी यखनी जो है जिसमें मैं डालूंगी अब मैं ये चावल। ये देखिए मैंने चावल जो है वो उसमें डाल दिए, मैंने बाहर से एक्स्ट्रा पानी और नहीं डाला, यखनी के अंदर ये चावल बन रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदाजन के, मैंने आपको जैसे बताती हूँ कि चावल जो है वो आपको नज़र आना चाहिए। ये देखिए चावल अच्छे से भीगे हुए हैं, साइडों से हमेशा आप इसको मिक्स करें। अच्छा आपने देख बनते हुए भी देखा होगा चावल कभी भी बीच में से नहीं हिलाते हैं, साइडों से चावल आप मिक्स करिए। अब जैसे ही एक बॉयल आएगा तो हम इसमें नमक का अंदाज़ा करेंगे, नमक चखेंगे और फिर नमक उस हिसाब से हम ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया होगा जब यखनी बनाई थी मैंने उसमें भी मैं नमक ऐड किया था। अब मैंने जब मसाला या ग्रेवी पुलाव बनाने के लिए किया है तो मैंने इसमें कनौर क्यूब्स डाले, उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो अब नमक का बेस्ट अंदाज़ा चावलों में जो है वो आप इस स्टेप पर करेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो आप उसमें टेस्ट करेंगे नमक कितना डलेगा। तो अभी एक बॉयल आने दें फिर हम इसमें टेस्ट करके नमक डालते हैं। जी तो वो स्टेप आ गया है जिसमें हम चेक करते हैं नमक का, मैंने नमक का चेक कर लिया है, यहाँ पर 1 बड़ा खाने के चम्मच कम के हिसाब से मैंने ऐड कर दिया है नमक का। नमक हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि अपने हिसाब से आपने नमक ऐड करना है, अगर आप जैसा घर में इस्तेमाल करते हैं नमक बिल्कुल वैसा आपने इस्तेमाल करना है नमक का। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने का वही अंदाज़ कि आपने साइडों से जो है वो चम्मच जो है वो चलाना है बहुत आराम से, क्योंकि बहुत ही अच्छे से टेंडर हुई हुई है हमारी जो चिकन की बोटियां हैं वो, और चावल भी बहुत अच्छे भीगे हुए हैं हमारे। तो आप ये देख लें अंदाज़ा पानी का बहुत परफेक्ट है, यहाँ पे टेस्ट बहुत ही मज़े का आ रहा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद कमेंट से बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी चिकन पुलाव। ये देखिए अब हमें चम्मच जो है वो नहीं चलाना जहाँ पर चिकन ज़रूरत महसूस हो, अदरवाइज़ हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक यखनी ड्राई नहीं हो जाती है। फ्लेम हमारा जो है यहाँ पर मीडियम टू हाई रहेगा। हाँ जी ये देखिए जनाब यखनी जो होगी ड्राई, आवाज़ आप सुन सकते हैं कि आवाज़ चटकने की चावल की आती है बिल्कुल वैसी आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमने सब इसको स्टीम के ऊपर तवा रखे, आप इसको दम पे रख दीजिए, दम पे रखना है हमें इसे पूरे 10 मिनट तक। 5 मिनट हो गए दम पे रखे हुए, अब यहाँ पर मैं जर्दे का रंग डालूंगी, पीले जर्दे का रंग जो होता है मुझे एक्चुअली जर्दे का रंग अच्छा लगता है चावलों में पुलाव में, तो मैं जो हूँ वो 1/2 टीस्पून लेती हूँ और उसको डालती हूँ, लेकिन बोटियों के ऊपर आप डालें बहुत ही अच्छा रंग आता है। ये सारा आपने फैला देना है, मिक्स अभी नहीं करना है आपने। अब इसको आप 5 मिनट देंगे और स्टीम पे रख देंगे।
जी जनाब, ये 10 मिनट का दम हो चुका है स्टीम पर। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। अब मैं इसको सर्विंग ट्रे में निकालती हूँ, फाइनल दिखाती हूँ आपको चिकन बिरयानी की, चिकन पुलाव की।